नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला डूंगरपुर के शंकर दत्त शर्मा के द्वारा जिला डूंगरपुर में अवैध शराब के विरुद्ध जारी अभियान के तहत श्री अशोक मीणा, पुलिस अधीक्षक श्री अनिल मीणा, पुलिस वित्त अधिकारी वृत्त डूंगरपुर के निर्देशानुसार में श्री परमेश्वर पाटीदार थाना अधिकारी पुलिस थाना राम सगड़ा के नेतृत्व में अवैध शराब धरपकड़ हेतु आज यानी दिनांक 24 जून 2019 को पुलिस चौकी भेजा में हेड कांस्टेबल मदन लाल माई जब्ता के द्वारा मामूरा मुखबिर की सूचना मिली कि एक कार नंबर RJ27NC0701 जिसमें अवैध शराब भरी हुई है जो डूंगरपुर से गुजरात जाने वाली है, जिस पर हेड कांस्टेबल मदन लाल माई जब्ता के द्वारा गैजी बस स्टैंड के पास नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान कार चालक ने पुलिस हेड कांस्टेबल मदन लाल माई जब्ता को वर्दी में देखकर कार को वापस फिल्मी स्टाइल में डूंगरपुर की तरफ मोड़ लिया। उसके बाद एक निजी वाहन के द्वारा उनका पीछा किया गया, परंतु वो लोग कार को पोखरण गांव में छोड़कर भाग गए। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 776 अंग्रेजी शराब की बोतलें पकड़ी गई जिनकी बाजारी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि दोनों फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। क्या है सारा मामला, देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता अजीत लबाना की डूंगरपुर से खास रिपोर्ट। दोस्तों, देश विदेश की तमाम खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।